वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। अगर आप एक रिस्पॉन्सिव लेआउट स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हो बिना किसी फ्लोर प्रॉपर्टी का यूज़ करे या पोजिशनिंग दिए, तो वो आप फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट मॉड्यूल की हेल्प से कर सकते हो, और बूटस्ट्रैप हमें फ्लेक्स क्लासेस प्रोवाइड करता है। आज की इस वीडियो में हम कुछ इन्हीं फ्लेक्स क्लासेस के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर बनाना सीखेंगे जिसके अंदर हमारी फ्लेक्स आइटम्स आएंगी। तो वो बनाने से पहले एक डेफ टैग बना लेते हैं और क्लास दी कंटेनर और मार्जिन देंगे टॉप से, इसलिए एम्प्टी हाइफन 3 क्लास दी। इसके अंदर फिर एक डेफ टैग दिया और क्लास दी फ्लेक्स और पैडिंग देंगे सारी साइड से, और 3 दे दिया यहाँ पर साइज, और बीजी कलर देंगे सेकेंडरी, और टेक्स्ट का कलर रखेंगे वाइट। फिर डिफ टैग दिया और पैडिंग देंगे सारी साइड से, और साइज दिया 2, और बैकग्राउंड में कलर रखेंगे ब्लू। F1, 2 आइटम्स बना रहे हैं हम, और यहां पर कलर को चेंज करा टू वार्निंग, यहां पर F2 कर दिया। सो नाउ लेट्स सी। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये कंटेनर और ये 2 आइटम्स हैं यहाँ पर। अब अगर आपको इनलाइन बनाना है इसे, तो उसके लिए बस यहाँ पर क्या करना होगा, डी हाइफन इनलाइन करना होगा। और पहले मैंने एक चीज़ करी नहीं थी, पहले डी हाइफन फ्लेक्स देना था यहाँ पर। मैं आपको पहले करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये कैसे दिख रहा है ना। और यही अगर हम यहाँ पर डी नहीं देंगे, तो आपने देखा ही था कि ये कैसे दिख रहा था, है ना। एक ब्लॉक की फॉर्म में शो करवाने के लिए हमने डी दिया था। तो अब डी हाइफन कर दिया फ्लेक्स, और यहाँ कर दिया इनलाइन। सो ये देखिए आपको डिफरेंस समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पर जो आइटम्स हैं ये नो डाउट साइड बाय साइड मुझे शो हो रही हैं, बट हम इसको रो क्लास का यूज़ करके भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शो करा सकते हैं। उसके लिए बस क्या करना होगा, यहाँ से मैं इनलाइन क्लास हटा देती हूँ और यहाँ पर क्लास दे दी फ्लेक्स हाइफन रो, और यहाँ से ये पैडिंग भी हटा देंगे, और ये टेक्स्ट वाइट क्लास भी हटा देते हैं। मतलब कि कोई इसकी वैसे आपकी मर्जी, आप देना चाहो तो आप दे भी सकते हो। और मार्जिन देंगे बॉटम से, और यहाँ पर साइज मेंशन करा 3। देखते हैं कि अब क्या हुआ है। ये देखिए साइड बाय साइड जो आइटम्स हैं वो शो हो रही हैं। और यही अगर आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में शो कराना चाहते हो, यानी कि F1 F2 नहीं, यहाँ से हमें उल्टी डायरेक्शन में आने चाहिए एलिमेंट्स, तो बस उसके लिए क्या करना होगा, हाँ ये फ्लेक्स हाइफन रो क्लास दी हुई है वहीं पर करना होगा रिवर्स। ये देखिए अब ये रिवर्स डायरेक्शन में शो हो रहा है। और यही अगर वर्टिकल डायरेक्शन में करना है, तो यहाँ पर फ्लेक्स हाइफन कॉलम करना होगा, और रिवर्स के लिए भी बस यहाँ पर रो की जगह कॉलम। ये देखिए अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में ये F1 F2 और रिवर्स के लिए F2 F1। अब अगर आइटम्स की पोजिशनिंग या उनको अलाइन करना है, उनकी अलाइनमेंट को सेट करना है, उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि स्टार्टिंग में अगर आइटम्स को शो करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पर क्लास दी जस्टिफाई हाइफन कंटेंट हाइफन स्टार्ट, और एक और आइटम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाने के लिए। यहाँ पर कलर को चेंज कर दिया, इन्फो ही रख दिया, और यहाँ पर F3 कर दिया। सो लेट्स सी नाउ। ये देखिए अब ये स्टार्टिंग में मेरी आइटम्स मुझे दिख रही हैं, और यही अगर आप एंड में जाते हो, बस उसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा, मैंने ये क्लास कॉपी कर ली,
यहाँ ये फ्लेक्स कॉलम रिवर्स हटा दिया और यहाँ स्टार्ट की जगह एंड करा, और यही आइटम यहाँ पर भी प्लेस करती। ये देखिए अब ये एंड में दिख रही हैं आइटम्स। और अगर आपको सेंटर में करना है तो यहाँ एंड के बजाय सेंटर कर दिया। ये देखिए अब ये सेंटर में दिख रही है। और यही अगर आइटम्स को आपको बिटवीन में दिखाना है, उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ सेंटर के बजाय बिटवीन करा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ना, इक्वल स्पेस हो गया है तीनों आइटम्स के बीच में, तो बिटवीन क्लास से ये होता है। और यही अगर मैं यहाँ पर कर दूँ बिटवीन के बजाय अराउंड, तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा कैसे यहाँ पर जो कॉर्नर से स्पेस दिख रहा है ना। अब अगर हम चाहते हैं कि इक्वल विड्थ की आइटम्स बनाएं जिससे कि वो पूरे यहाँ पर कंटेनर को फिल कर लें, उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से फिलहाल के लिए मैं ये हटा देती हूँ, ये भी हटा दिया यहाँ से। और डी हाइफन फ्लेक्स के साथ हम अब मार्जिन बॉटम देंगे और साइज दे दिया 3। और यहाँ पर एक क्लास देनी होगी फ्लेक्स हाइफन फिल, सिमिलरली यहाँ पर। और आपको विदाउट फिल दिखाने के लिए भी क्या करती हूँ मैं, यहाँ से ये हटा दिया। और बाकी क्लासेस तो सेम ही रहने देंगे। अब देखते हैं आपको डिफरेंस यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कैसे यहाँ पर ये सारी आइटम्स यहाँ पर स्टैक टुगेदर होके यहाँ कॉर्नर में दिख रही हैं, और यहाँ इन्होंने पूरे कंटेनर को फिल कर लिया, वो भी इक्वल विड्थ के साथ में। अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी एक आइटम की विड्थ को मैक्सिमम रखो और बाकी के विड्थ को कम कर दो, यानी कि आप ग्रो करवाना चाहते हो किसी भी फ्लेक्स आइटम को, उसके लिए बस क्या करना होगा, एक क्लास देनी होगी। जैसे कि अब मैं थर्ड आइटम के विड्थ को बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैंने क्लास दे दी फ्लेक्स हाइफन ग्रो और यहाँ पर साइज मेंशन करा हाइफन 1। सो देखते हैं यहाँ पर ये इसलिए चेंज नहीं आया क्योंकि देखिए मैंने ऊपर फ्लेक्स, यहाँ पर फ्लेक्स फिल क्लास भी तो दे रखी है ना, तो वो तो इक्वली फिल करेगा। तो हम यहाँ पर दूसरे कंटेनर के अंदर देते हैं क्लास फ्लेक्स हाइफन ग्रो हाइफन 1। ये देखिए यहाँ पर F3 की जो विड्थ है वो यहाँ पर आपको दिख रही है कैसे इंक्रीज हो गई है। और यही अगर आपको कम करना हो विड्थ को, तो यहाँ पर क्या करना होगा, ग्रो के बजाय श्रिंक कर दिया। ये देखिए अब ये फिर से ऑटोमेटिकली अपने डिफॉल्ट साइज पर आ गई। और अब अगर फिर से ग्रो करा तो फिर से F3, ये क्या तो आई नहीं। फिर से विड्थ बढ़ गई। अब अगर आपको ऑर्डर ऑफ आइटम्स चेंज करना है, जैसे कि ये तो F1 F2 F3 देखिए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ पर ये क्लास F1 आइटम के लिए यहाँ पर ऑर्डर करा -3, और यहाँ पर कर दिया ऑर्डर -2, और यहाँ से फ्लेक्स ग्रो क्लास हटा देते हैं और ऑर्डर -1। ये देखिए यहाँ पर F1 मुझे कैसे शो हो रही है, यहाँ बीच में F3 और एंड में F2। अब ऑटो मार्जिन्स जो फ्लेक्स आइटम्स हैं उनको देना सीखेंगे। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देंगे कुछ BG-सेकेंडरी, और यहाँ पर मैं राइट में पुश करना चाहती हूँ आइटम्स को, तो MR-, यानी कि मार्जिन दे रहे हैं राइट से -ऑटो। और ये अगर आप लेफ्ट से देना चाहते हो तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से मैं फिलहाल के लिए ऑर्डर को हटा देती हूँ।
लास्ट दी एमएल हाइफन ऑटो, ये अब हम लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं अपने आइटम्स को, और मार्जिन दी हमने लेफ्ट से, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पर। बट यहाँ पर वही, ये क्यों नहीं काम करा, क्योंकि हमने फ्लेक्स हाइफन फिल क्लास दी हुई थी, ये हटा देते हैं यहाँ से। ये देखिए ये एकदम दो आइटम्स जो है मेरी यहाँ पर राइट में चली गई और F1 लेफ्ट में है। और ये आप देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पर क्या करा था, ये जो थर्ड आइटम थी इसको लेफ्ट में पुश करा था, ये देखिए आपको अब दिख रहा होगा F3 एकदम यहाँ पर है राइट में, और F1 और F2 जो है वो एकदम लेफ्ट में है। अब हम क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा आइटम्स देते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ 3 आइटम्स दी हुई है ना, देखते हैं कि फिर क्या होता है। फिलहाल के लिए जहाँ पर ये क्लास डी हाइफन फ्लेक्स दे रखी है, और यहाँ सेकेंडरी कलर के बजाय लाइट कर देते हैं, और यहाँ पर बॉर्डर क्लास लगाएंगे हम, एक बॉर्डर देने के लिए कलर नहीं चाहिए हमें कोई, और ये दो टैग्स हटा दिए। अब हम 12 आइटम्स को ऐड करेंगे और देखते हैं फिर क्या होता है। या हम 12 से ज़्यादा भी दे सकते हैं, अभी मैं आपको पहले करके दिखाऊंगी। बाकियों का नाम सेम ही रखते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ना यहाँ ये सारी, तो अभी थोड़ी और ज़्यादा देंगे। अगर आप इनको रैप टुगेदर कराना चाहते हो इन आइटम्स को, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर क्लास देनी होगी फ्लेक्स हाइफन रैप। ये देखिए जो मेरी आगे आइटम्स एक्सटेंड हो रही थी वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ गई। और यही अगर आप रिवर्स में करवाना चाहते हो रैप, तो उसके लिए बस यहाँ पर फ्लेक्स हाइफन रैप, और यहाँ पर करना होगा रिवर्स। तो ये देखिए अब ये रिवर्स में आपको दिख रही है ना, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। और यही अगर मैं यहाँ पर दे दूँ क्लास नो रैप, जो कि बाय डिफॉल्ट क्लास भी है, तो ये वैसी ही दिख रही है जैसे ओरिजिनल लग रही थी। जैसे कि अगर मैंने यहाँ से फ्लेक्स हाइफन नो रैप को हटाया, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। ये देखिए वैसे ही, कि वो डिफॉल्ट क्लास थी। तो अब आपको रैप का कितना डिफरेंस समझ में आ रहा होगा ना, कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है रैप, कि हमारी नेक्स्ट लाइन में आइटम्स आ जाती हैं। मैं फिर से देख के दिखाऊंगी। ये जो ये गैदर टुगेदर रैप्ड आइटम्स हैं, अगर आप इनकी वर्टिकल अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हो, उसके लिए क्या करना होगा, जहाँ पर यहाँ फ्लेक्स रैप क्लास दे रखी है वहीं क्लास देनी होगी अलाइन। ये वैसी ही क्लास है जैसे हमने जस्टिफाई कंटेंट पढ़ी थी ना, अलाइन हाइफन कंटेंट, और यहाँ पर स्टार्ट क्लास दी, और यहाँ से मार्जिन जो बॉटम से दे रखी थी वो हटा दी, और स्टाइल देंगे और हाइट दे दी 300 पिक्सल। सो नाउ लेट्स सी, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पर चेंज। ऐसा करते हैं कुछ और आइटम्स भी देते हैं यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, स्टार्ट के बजाय यहाँ पर एंड कर दूँ, तो ये देखिए कैसे अब ये नीचे आ गई हैं, ऊपर नहीं अब ये नीचे आ गई हैं।
स्टार्ट का मतलब ये तभी था कि ऊपर थी तभी आइटम्स, और अगर यहाँ पर एंड के बजाय सेंटर कर दिया तो ये सेंटर में आ गया आइटम्स, यानी कि हमने वर्टिकल अलाइनमेंट यहाँ पर चेंज करी है। जस्टिफाई कंटेंट जब हम कर रहे थे तब हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को चेंज कर रहे थे, और यही अगर यहाँ पर सेंटर के बजाय अराउंड करा, यानी कि इक्वल स्पेस दे रहे हैं आइटम्स के बीच में, तो ये देखिए आपको अच्छे से अब डिफरेंस भी समझ में आ रहा है। और अगर अब अराउंड के राउंड नहीं, यहाँ पर मैंने गलत दिया क्लास, अराउंड करना था, ये देखिए है ना स्पेस भी आ गया बीच में, और यहाँ पर अगर अराउंड के बजाय स्ट्रेच क्लास दी तो ये देखिए कैसे सारी आइटम्स जो हैं उनकी हाइट दिख रही है ना वो कैसे स्ट्रेच हो गए हैं ये। अब हम सिंगल रो ऑफ फ्लेक्स आइटम्स की अलाइनमेंट को चेंज करना सीखेंगे, तो उसके लिए जो इतने सारे यहाँ पर ये आइटम्स दे रखी हैं वो फिलहाल के लिए हटा देते हैं। सिर्फ 3 आइटम्स रखेंगे, यहाँ पर क्लास देनी होगी। यहाँ से मैं फ्लेक्स रैप को हटा देती हूँ क्योंकि अब तो इसकी कोई नीड नहीं है। यहाँ पर कंटेंट के बजाय क्लास दी आइटम्स, और यहाँ स्ट्रेच के बजाय करा स्टार्ट, और हाइट को भी चेंज करेंगे 150 पिक्सल करा। एंड नाउ लेट्स सी, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ना ये हाइट भी दिख रही है 150 पिक्सल की, और ये 3 आइटम्स स्टार्ट से दिख रही हैं, और यही अगर मैं यहाँ पर कर दूँ एंड, तो ये देखिए अभी एंड में आ गई हैं, और यहाँ वर्टिकल अलाइनमेंट यहाँ पर आपको दिख रही होगी कैसे चेंज हुई है। और अगर अब यहाँ पर सेंटर में कर दिया तो ये देखिए अब ये सेंटर में आ गई, और अगर यहाँ पर सेंटर के बजाय करा बेस लाइन, ये देखिए ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये बेस लाइन क्लास होती है। और अगर अब यहाँ पर हमने करा स्ट्रेच तो ये देखिए ये कैसे स्ट्रेच हो गई है। अब क्या करेंगे हम, अगर आप पर्टिकुलर आइटम जैसे कि F2 है उसकी यहाँ पर अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए लाइन सेल्फ क्लास का यूज़ करेंगे। जैसे कि जो मेरी F2 आइटम है यहाँ पर मैंने क्लास दे दी, पहले यहाँ से अलाइन आइटम्स ये सब हटा देंगे, और यहाँ पर क्लास देंगे अलाइन हाइफन सेल्फ हाइफन स्टार्ट, तो ये देखिए आपको दिखाना F2 आइटम यहाँ पर, अब क्या करेंगे यहाँ पर स्टार्ट के बजाय एंड कर दिया, तो ये देखिए ये एंड में आ गई। और अब यहाँ पर एंड के बजाय बेस लाइन कर दिया, ये देखिए ये फिर से ऊपर चली गई। और अगर बेस लाइन के बजाय यहाँ पर कर देते हैं स्ट्रेच,
ये फिर से स्ट्रेच हो गई है। अब यही अगर आप रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हो, यानी कि स्मॉल स्क्रीन्स के लिए, लार्ज स्क्रीन्स के लिए वर्क करवाना चाहते हो, उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से मैं स्ट्रेच के बजाय जैसे कि कर देती हूँ एंड, और यहाँ पर कुछ अगर स्मॉल स्क्रीन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ SM ऐड कर दिया मैंने और रीलोड करा पेज को, और ये एंड में तो अभी दिख रही है। अब जैसे ही मैंने स्क्रीन का साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया, तो ये देखिए कैसे दिख रही है अब मेरी F2 आइटम, और यही अगर बड़ा कर दिया तो अब देखिए, और यही अगर हम स्मॉल नहीं मीडियम स्क्रीन के लिए करना चाहते हैं तो SM के बजाय बस MD कर देंगे। सो थैंक यू गाइस, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप फ्लेक्स बॉक्स के बारे में अच्छे से बूटस्ट्रैप के अंदर सीख पाए, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।